झांसी और बुंदेलखंड की जनता ने पूरे क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं समस्त झांसी वासियों का और बुंदेलखंड के सभी संसदीय क्षेत्र के जो हमारे मतदाता हैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, सबको बहुत बहुत बधाई है जिन्होंने देश में माननीय मोदी जी की अगुवाई में एक बहुत मजबूत सरकार बनाने में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के दसों संसदीय क्षेत्र जिता के सबसे बड़े मजबूती का कार्य किया, उसके लिए बहुत बहुत सराहना, बहुत बहुत अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में भारी जीत मिली है, आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की जीत का श्रेय उत्तर प्रदेश की हमारी महान जनता को है, सभी कार्यकर्ताओं को है और उसके संग पार्टी के जितने भी दायित्व धारक हैं वो सब इस जीत के हकदार हैं, उनके श्रेय के हकदार। आपकी केंद्र में फिर से सरकार बन गई, क्या अब बुंदेलखंड राज बनेगा? भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड के संवर्धन के लिए हमारी पार्टी और हमारी राजग सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। पहले भी माननीय मोदी जी की और योगी जी की सरकार ने अनेक परियोजनाएँ दी हैं जिनका असर दिखलाई पड़ रहा है, आगे और समन्वित प्लान बना करके बुंदेलखंड को इस प्रदेश और इस देश में बहुत शीर्ष स्थान पर लाने के कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आप ही निभाएंगे या फिर दूसरे किसी दूसरे को मिलेगी? आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, लेकिन इसका उचित समय पर निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। आपके संरक्षण में एक बड़ी जीत मिली उत्तर प्रदेश में, तो आपकी नज़र में किसको होना चाहिए, किसको मिलना चाहिए अगर बदलती है? आप मेरी पार्टी की कार्य संस्कृति से परिचित हैं, हमारी पार्टी में टीम वर्क से लोग काम करते हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, पुनः स्पष्ट करूंगा, जब उचित समय होगा वो निर्णय लेंगे।